एवरीवन, पिछले साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक भूल भुलैया 2 से कार्तिक आर्यन की गिनती बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में होने लगी। पिछले दिनों उनकी फिल्म फ्रेडी ओटीटी पर रिलीज हुई। फिल्म में कार्तिक आर्यन ने एक किलर वाला रोल प्ले किया था, लेकिन इस मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म शहजादा से वह एक बार फिर अपने असली अंदाज में वापस आ गए हैं। शहजादा अल्लू अर्जुन की सुपरहिट तेलुगु फिल्म अला वैकुंठपुरम पुलो की रीमेक है। हिंदी में इस फिल्म को रोहित धवन ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म पहले वैलेंटाइन डे वीक में 10 फरवरी को रिलीज होनी हुई थी, लेकिन पठान की बंपर रिलीज से घबराकर मेकर्स ने शहजादा को एक हफ्ते और पोस्टपोन कर दिया। हालांकि अब 17 फरवरी को रिलीज हुई शहजादा को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला करना पड़ रहा है। अब बात करें इसकी कहानी की, तो बंटू एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। उसके पिता वाल्मीकि बचपन से ही उसे धुतकारते आ रहे हैं। जिंदगी में पहली बार बंटू को प्यार का एहसास अपनी बॉस समारा के मिलने पर हुआ था। बंटू उसे चाहने लगता है, लेकिन इसी बीच बंटू को अपनी जिंदगी को बदल देने वाली एक सच्चाई के बारे में पता चलता है। बंटू असल में एक अरबपति फैमिली का वारिस है, तो क्या अब बंटू अपने परिवार को वापस पा लेता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर में जाना होगा। शहजादा के डायरेक्टर कॉमेडी फिल्मों के किंग कहे जाने वाले डेविड धवन के बेटे रोहित धवन है। रोहित ने सुपरहिट तेलुगु फिल्म की स्क्रिप्ट पर मसालेदार एंटरटेनमेंट फिल्म बनाई है। यह एक फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म में इंटरवल से पहले फिल्म में कॉमेडी और लव स्टोरी का तड़का है, जबकि सेकंड हाफ में कार्तिक अपनी असली फैमिली के तारा हार बनकर सामने आते हैं। फिल्म में एक्शन, इमोशन से लेकर कॉमेडी तक सब कुछ है, लेकिन यह इतना ज्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक ही है, लेकिन इसी कारण कहानी थोड़ी कमजोर भी पड़ती है। खासकर फिल्म का क्लाइमेक्स काफी प्रेडिक्टेबल भी है। कार्तिक आर्यन ने फिल्म में बढ़िया कॉमेडी की है, साथ ही सेकंड हाफ में वह आपको इमोशन भी कर देते हैं, वह एक्शन का तड़का भी लगाते हैं। कृति सैनन के बाद फिल्म में करने के लिए कुछ ज्यादा खास था नहीं। बंटू के मौजूदा पिता के रोल में परेश रावल जचे हैं, जबकि रौनित राय, सचिन खेड़कर और मनीष कोयराला ने सपोर्टिंग रोल में अच्छा काम किया है। राजपाल यादव बस एक सीन में नजर आए हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक आपको पसंद आएगी। शहजादा के निर्माताओं ने पूरी कोशिश की है कि इस ओरिजिनल तेलुगु फिल्म में अला वैकुंठपुरम पुलो हिंदी में उपलब्ध ना हो पाए, क्योंकि अगर आपने अल्लू अर्जुन की ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी है तो शहजादा आपको मजा आने वाला है, और अगर देख लिया तो शहजादा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि अल्लू अर्जुन का मुकाबला कार्तिक आर्यन नहीं कर सकते, यह साफ फिल्म में दिख रहा है। अगर कुछ ऐसा देखना चाहते हो जो फैमिली के साथ बढ़िया टाइम पास हो, तो कार्तिक आर्यन की शहजादा आप एक बार तो जरूर देख सकते हैं। चलिए, तरह मेरा रिव्यू। अब आप बताइए, आपने शहजादा मूवी देखी कि नहीं? और देखी तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।